कि 2024 में मोदी जी बिहार में सभी की सभी सीटें। पवन सिंह अगला हम लोग अपने भाई को लेके आएंगे। हमारे भाई पवन सिंह की बारी है। ये बात पवन सिंह इस वक्त न्यूज 18 बिहार झारखंड। जो टिकट भी तैयार है, मंच भी तैयार है और फ्यूचर का एक बड़ा नेता भी तैयार है। जब बात कर रहे हैं अभी से ठीक एक साल के बाद लोकसभा के चुनाव के बारे में, जिसमें खबर आ रही है कि भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह इस बार चुनाव में उतरेंगे और लोकसभा का टिकट लेके चुनाव भी लड़ेंगे। हालांकि नो डाउट मनोज तिवारी, फिर रवि किशन और अब दिनेश लाल यादव निरहुआ, और इसके बाद नंबर फाइनली पावर स्टार पवन सिंह का आ रहा है। और अब फाइनली कयास भी लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह के साथ नितिन गडकरी की ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रही है। तो अभी हाल ही में अमित शाह के साथ इससे साफ जाहिर होता है कि इस लोकसभा चुनाव की लिस्ट भी बन चुकी है और नाम भी पक्का हो चुका है। जो खबर आ रही है कि बिहार के एक सीट से पवन सिंह के लिए टिकट भी फिक्स कर दिया गया है और शायद वहीं से पवन सिंह लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि नो डाउट पवन सिंह की फैन फॉलोइंग काफी बड़ी है और इससे पहले से ही पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। पवन सिंह ने दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी, रवि किशन और गौतम गंभीर जैसे स्टार्स की चुनाव रैली की है और शायद उसका नतीजा भी आप सभी को पता होगा। पवन सिंह जिस बड़े नेता के चुनाव रैली में गए, उस नेता की बड़ी जीत हुई और यही वो पॉपुलैरिटी है पवन सिंह की, जिसके बारे में बीजेपी पार्टी भी बखूबी से जानती है। वह दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि पवन सिंह को अभी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए या फिर अभी भोजपुरी फिल्म में ही अपना फोकस रखना चाहिए? आप चाहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के वीडियोस के लिए कीजिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।